आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख। आज हम देखेंगे कि जो CTET एग्जामिनेशन को जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो प्रियर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए एग्जामिनेशन के लिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कि आप मान लीजिए आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच गए, वहां जाने के बाद आपको 5 मिनट पहले कमिसमेंट ऑफ जो पेपर रहेगा कैंडिडेट को आस्क किया जाएगा, उन्हें पूछा जाएगा और कहा जाएगा कि अब वो सील ओपन कर सकते हैं टेस्ट बुकलेट्स की। तो आप वहाँ पर पहुँचने के बाद ही आपको थोड़ा 5 मिनट पहले ही टेस्ट बुकलेट्स ओपन करने की परमिशन दे दी जाएंगी और कैंडिडेट्स चेक करना है अब यहाँ पर इन 5 मिनट में। ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट में मिल गया पेपर, आप चालू कर दिया लिखना, 10 क्वेश्चन हो गए और बाद में देख रहे हो। तो पहले ही आपको चेक करना है केयरफुली कि जो टेस्ट बुकलेट कोड है जो प्रिंटेड है साइट 2 पर OMR शीट की, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये उसका फुल फॉर्म होता है OMR शीट का, इस ये स्कैन होती है बाद में, तो ये शीट सेम प्रिंटेड है या नहीं टेस्ट बुकलेट पर। और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो डिस्क्रिपेंसी से मुराद ये रहेगा कि कोई अगर ऐसा लगता है कि कुछ अगर गलत शीट मिली है तो कैंडिडेट को इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए उस मैटर से इन्विजिलेटर को के रिप्लेस करके दी जाए दोनों भी टेस्ट बुकलेट्स और OMR शीट। और उसी तरह से जो कैंडिडेट्स लिखेंगे सही टेस्ट बुकलेट का कोड या नंबर जो टेस्ट बुकलेट या OMR की जो अटेंडेंस शीट पर है, वही आपको दोनों जगह पर अटेंडेंस शीट पर भी डालना होगा दोनों का नंबर। और कैंडिडेट को उनका खुद का बॉल पॉइंट पेन ब्लैक या ब्लू दोनों भी चल जाएगा लेकर जाना चाहिए, वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए, जेल पेन से ख़राब भी हो सकता है, तो आप बॉल पॉइंट पेन लेकर जाए। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पहुँचने के बाद अरे भैया थोड़ा पेन दे दो, और वहाँ जाने के बाद अक्सर हमारे जो भाई होते हैं जेंट्स हजरात, तो वो ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि जल्दी में मुंह पर पानी मारा निकल गए, एग्जामिनेशन है हॉल टिकट लिया जेब में रखा है, वहाँ जाने के बाद आई कार्ड नहीं मिल रहा है, बता रहे ये मोबाइल में गूगल ड्राइव पे सेव है, वो कहेंगे कि हार्ड कॉपी में दे दो, तो ऐसे दिक्कतें आती है। तो वहाँ जाने के बाद फेस ना करना पड़े ये सारे चैलेंजेस, तो अपने साथ 2-3 पेन लेकर जाए कि ताकि अगर सही में भी ऐसा कोई ज़रूरतमंद भी आ जाए तो उससे आप हेल्प कर सकते हैं। 5 रुपये का पेन है लेकिन उसका एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट हो सकता है। और मैं तो दरख्वास्त करूँगा कि जो कैंड वहाँ पर कंडक्ट होता है एग्जामिनेशन, तो एम्प्लॉयज़ भी जो होते हैं वहाँ पर, तो इन्विजिलेटर वगैरह ये लोगों के पास भी एक्स्ट्रा में रहना चाहिए ताकि वो हेल्प कर सके, क्योंकि अगर हेल्प करते रहेंगे एक दूसरे की तभी तो बढ़ेगा इंडिया। उसी तरह से बात की जाए कि ये बॉल पॉइंट पेन आप वहाँ पर लेकर चले गए, और उसके बाद अगर पेंसिल्स से कोई एडजस्ट करता है तो वो पेंसिल्स का रिजेक्ट हो जाएगा OMR शीट, और कोई इसका करस्पॉन्डेंस नहीं होगा। और इसी इस किस्म से किसी भी किस्म का इंटरटेन उन्हें नहीं किया जाएगा। तो कैंडिडेट मार्क करेंगे आंसर्स को OMR शीट पर, कमेंसमेंट जो जब भी होगा इन्विजिलेटर कहेगा कि अब आप चालू कीजिए, तभी आपको चालू करना है, नहीं तो होता है ऐसा है कि 5 मिनट पहले दे दिया, एक बंदे को देख रहे हैं वो उसने आधा एक पेज ख़त्म कर दिया है, तो इस तरह से ना करें। 5 मिनट पहले देने पर अच्छे से सिर्फ चेक करें और बाद में 5 मिनट के बाद एक्चुअल टाइम पर वो स्टार्ट करें। उसके अलावा जो टेस्ट स्टार्ट होगा एग्जैक्टली टाइम पर मेंशन जब किया गया है एडमिट कार्ड पर, और अनाउंसमेंट जो होगा इफेक्ट मेड होगा इन्विजिलेटर जब कहेगा तब। तो एग्जामिनेशन जब इन्विजिलेटर चेक करेंगे एडमिट कार्ड, तो सबको वेरीफाई करवाना होगा आइडेंटिटी कैंडिडेट की, तो इन्विजिलेटर उसका सिग्नेचर्स OMR शीट पर भी करेगा ये देखने के बाद ही कि कैंडिडेट एक्चुअल है या नहीं। और कैंडिडेट को मेंटेन करना होगा साइलेंस, अटेंड करना होगा क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है कि किसी को देख रहे हैं भैया 4 का सवाल का कौन सा है, ए है 2 है या 4 है, ऐसा इस तरह से नहीं करना है। और मिसबिहेवियर किसी किस्म का भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा। उसी तरह से जो कैंडिडेट रहेंगे कैंसिल किए जा सकते हैं, डीबार किए जा सकते हैं हमेशा के लिए एग्जामिनेशन से, अगर परमानेंटली किसी किस्म का नेचर या ऑफेंस वो करते हैं। और कैंडिडेट जो पोजीशन आइटम रहेंगे तो
उसके एतबार से इसी तरह से किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटीज़ करने पर डी बार भी किए जा सकते हैं। और कंप्लीट करने के बाद टेस्ट हैंड ओवर करना है, ओएमआर शीट कैंडिडेट को चेक करना है कि पर्टिकुलर रिक्वायर्ड ओएमआर शीट पूरी अच्छे से फिल हुई है या नहीं। और कमेंसमेंट और अनाउंसमेंट जो रहेगा टेस्ट का, तो हाफ टाइम क्लोज होने के बाद टेस्ट जो है तो मेट किया जाएगा, यानी कि इन्विजिलेटर आपको बता सकता है कि अब आधा घंटा रह गया है, अब ख़त्म होने पे है। तो उसमें यार आपको इस तरह से रिएक्ट नहीं करना है कि इतने जल्दी कैसे टाइम जा रहा है और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह से आपको किसी किस्म का रिस्पॉन्स इमिजिएटली नहीं देना है। और उसी के अलावा जब आप ओपन कर लेते हैं सील टेस्ट बुकलेट की, कैंडिडेट को चेक कर लेना है टेस्ट बुकलेट्स में सेम नंबर है या नहीं, पेजेस है या नहीं, फर्स्ट पेज बुकलेट का किस तरह से है, उसमें डिस्क्रिपेंसी है या नहीं टेस्ट बुकलेट में, यानी कि मिसाल के तौर पर पेज मिसिंग तो नहीं है, कहीं फटा हुआ तो नहीं है, कहीं मिस प्रिंटिंग तो नहीं है। ये सारा इन्फॉर्मेशन इमीजिएटली इन्विजिलेटर को देना है अगर इस तरह से निकलता है तो। और कैंडिडेट को किसी भी किस्म का पेज टेस्ट बुकलेट से टेस्ट के दौरान निकालने की इजाज़त नहीं होगी। और कैंडिडेट को फॉन्ट कर दिया जाएगा रिमूव करने पर ऐसे पेजेस बुकलेट के ये क्रिमिनल एक्शन माना जाएगा और उसके थ्रू डी बार भी हो सकते हैं। और कैंडिडेट साइन करना है दो मरतबा अटेंडेंस शीट पर, या आप हमेशा याद रखें जाने के बाद, फर्स्टली जब कमेंसमेंट होगा एग्जामिनेशन टेस्ट का, और उसके अलावा जब हैंड ओवर करेंगे ओ एम आर शीट इन्विजिलेटर को। उसी तरह से जो इंस्ट्रक्शंस है टेस्ट बुकलेट और ओ एम आर शीट के ताल्लुक से, तो कैंडिडेट को फाइंड करना है ओ एम आर प्लेस जो किया हुआ है, जो सील्ड टेस्ट बुकलेट है उसमें मिलेगा, और सील जो ब्रोकन की जाएंगी, अनाउंसमेंट करेगा इन्विजिलेटर, और ओ एम आर शीट जब कैरी करते वक्त में उसे फाड़ना नहीं है जब तक अनाउंसमेंट नहीं किया जाए। और उसी तरह से कोड, जैसे कि अलग अलग कोड आएंगे, जैसे कि ए बी सी डी हो सकते हैं प्रिंटेड ओ एम आर शीट्स पर, तो वो मेंशन वैसे ही करना है टेस्ट बुकलेट्स पर भी। और ओ एम आर शीट जो स्पेशल टाइप रहेंगी स्कैन टाइप का, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन इसका फुल फॉर्म होता है, तो ओ एम आर शीट जो है तो स्कैन होती है ऑप्टिकल स्कैनर से। तो आपको ये देख लेना है अच्छे से कि ये कहीं ओ एम आर शीट फोल्डेड तो नहीं है, कहीं पर इस पर स्ट्रे या फिर किसी किस्म का कोई डैमेज तो नहीं है। तो वहाँ पर आपका रोल नंबर कहीं भी नहीं लिखना है, सिर्फ वहाँ पर जहाँ प्लेस है ओ एम आर शीट की वहीं लिखना है। और जो इसका साइड वन होगा, तो ओ एम आर शीट का साइड वन जो रहेगा उसके अंदर कुछ कॉलम्स रहेंगे जो आपको नीटली और एक्यूरेटली लिखना है कैंडिडेट की जानिब से, उनके खुद के बॉल पॉइंट पेन से, ब्लैक या ब्लू दोनों कर सकते हैं इस्तेमाल, और पेंसिल स्ट्रिक्टली सख्त मना है। रोल नंबर लिखना है वहाँ पर, नेम लिखना है कैंडिडेट का पूरा, फादर्स नेम लिखना है, सेंटर का नंबर लिखना है, और एग्जामिनेशन सेंटर जो है उसका नाम लिखना है, सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर टू वो डाल सकते हैं आप। उसी तरह से जो साइट टू है, अगर आपने पेपर टू है इसलिए, और उसी तरह से साइट टू जो रहेंगी, तो साइट टू में ओ एम आर शीट की कंटेन करेंगे कुछ कॉलम्स जो फिल किए जाएंगे कैंडिडेट से उनके खुद के बॉल पॉइंट पेन से, ब्लैक या ब्लू दोनों हो सकते हैं। तो पेंसिल इसमें भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो उसमें रोल नंबर लिखना है, मेन टेस्ट बुकलेट का नंबर लिखना है, लैंग्वेज सप्लीमेंट का बुकलेट नंबर, लैंग्वेज सप्लीमेंट का बुकलेट कोड, सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर टू अगर पेपर टू है तो, और लैंग्वेज इन विच यू हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चंस, तो वो लैंग्वेज जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है वो लिखना है, और सिग्नेचर रहेंगी कैंडिडेट की। और इसमें जो है तो ये ऑफलाइन होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि कहीं ये ऑनलाइन ना निकल जाए, किस तरह से होगा आखिर तक कुछ पता नहीं होता है उनका। तो इसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो जहाँ से डीएड बीएड करके आ रहे हैं, तो वहाँ पर समझ लीजिए, मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट्स है, तो 100 स्टूडेंट्स ने 10-10 रुपये जमा करके हर साल अपने एक टीचर को भेजना चाहिए कि वहाँ पर जाकर वो एग्ज़ाम देकर आए, 1,000 रुपये में आने आने का खर्च भी निकल जाएगा, और TTC TET भी वो फीस भी पे हो जाएंगी, और वो एक्सपीरियंस आने के बाद बच्चों को बता सकेंगे। हालांकि उनको वहाँ से आने के बाद कुछ रहबर ही नहीं होती है, ऐसा हो गया है कि डीएड बीएड का ताल्लुक CTET TET से कुछ नहीं है।
अभी ने खुद ही एग्ज़ाम्स दे देकर वहाँ से एक्सपीरियंस हासिल करना है, उसके बाद भी क्या होगा वो सबको नहीं बता सकेंगे, लेकिन ये फिर भी अधूरे रहना चाह रहे हैं, तो खैर ये बात अलग है। और जिसको नहीं पता तो वो अजहरुद्दीन शेख के चैनल सब्सक्राइब करके उनको शेयर करते रहे। तो यहाँ पर ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे तो उसे डार्क फिल पूरा सर्कल में करना है अच्छे से। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कि आप जब रिस्पॉन्सेस टिक कर रहे हो तो उसमें से फोर अल्टरनेटिव्स जो रहेंगे तो सर्कल को अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है उस पर डार्कन कंप्लीटली बॉल पॉइंट पेन से आपको टिक करना है। और करस्पॉन्डेंस जो रहेगा तो उसमें से जो बॉल पॉइंट पेन रहेगा वो डार्कन जो सर्कल रहेगा हर एंट्री के लिए मोर देन वन ऑप्शन ये अलाउ नहीं किए जाएंगे कि किसी ने कह दिया कि ए ऑप्शन हो सकता है और बी, तो अगर बाय चांस इसमें से डबल डिप कहा जाए या फिर किसी किस्म से एग्जामिनर को रहम आ जाएगा, वो सोच लेता है कि वो ए नहीं कंसिडर करते हुए मैं पास कर देंगे एक मार्क्स से, तो ये गलत है, वो बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। तो आपको एक ही मार्क चॉइस करना है, अगर आपने गलत भी कर दिया है तब भी उसे आप गलत ही रहने दें या फिर सोच समझ के करें। उसके अलावा जो आंसर और सर्कल मार्क जो आप कर देंगे फिल आपका आंसर, तो वो चेंज नहीं किया जाएगा फिल करने से रिस्पॉन्सेस जिस तरह से हमने अभी बताया है। और एडमिट कार्ड पर जो डिटेल है तो पेंसिल उसमें भी लिखा होगा कि पेंसिल सख्त मना है, तो पेंसिल से हरगिज उसे सॉल्व ना करें, रिजेक्ट हो जाएगा आपका ये सारे जवाब। और लाइट यानी कि बहुत ही फेंटली उसे सर फील किया हुआ है कि मुझे आधा लग रहा है, बाद में देखने के बाद उसको अच्छे से डार्क कर दूंगा, हल्का सा फील किया है तो फेंटली इस तरह से। अगर कोई अगर नाकस किस्म का सर्दियों में 10 साल से 5 साल से रखे हुए पेन किसी के पास से खरीद कर लेके जाता है और वो चल नहीं रहा है बराबर से, दिख नहीं रहा है, तो वैसा नहीं आपको ले जाना है पेन। अगर फेंटली फील्ड अगर दिखता है सर्कल तो ये भी रिजेक्टेड हो जाएगा ऑप्टिकल स्कैनर के थ्रू। और इसी तरह से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा कर सकते हैं कि सही जवाब राइट, गलत है रॉन्ग, तो ये भी बिल्कुल भी कैप्चर नहीं होगा एग्जाम इसका जो स्कैनर है, तो आपको फिल करना है पूरा सर्कल। उसके अलावा कैंडिडेट को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस एक मरतबा डार्क किए जाने के बाद अगला ऑप्शन को, और फोल्ड नहीं करना है आपको आंसर शीट और किसी किसी किस्म के उस पर मार्क्स वगैरह नहीं लगाना है। और रफ वर्क करने के लिए एक जगह दी जाएंगी, कैंडिडेट को ज़्यादा रफ वर्क भी नहीं करना है, OMR शीट पर रफ वर्क की स्पेस जो है तो टेस्ट बुकलेट पर दी जाएंगी। और चेंजिंग यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट अपने साथ एक पेपर ले जाते हैं कि रफ वर्क करेंगे, वो ले जाने की ज़रूरत नहीं है। चेंजिंग करना है अगर आंसर्स को तो वो अलाउड नहीं है, जैसे कि अभी बताया हमने कि सेटिस्फाई जब तक ना हो तब तक वो आंसर को डार्क ना करें, और एक मरतब अगर आप उसे फिल कर दे तो फिर अब आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। और हैंडिंग ओवर करने से पहले, एग्जामिनेशन ओवर होने से पहले दूसरी मरतबा और अटेंडेंस शीट पर आपको साइन करना है प्रूफ के तौर पर कि आप शुरू में भी आए थे और बाद में जाते वक्त भी आप ही थे। तो उसके बाद कैंडिडेट परमिटेड है कैरी करने टेस्ट बुकलेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेस्ट, तो फिर वो टेस्ट बुकलेट घर पे ले जा सकते हैं, अगले साल फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं, फिर नहीं पास हुए फिर एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो इसके लिए आपको टेस्ट बुकलेट दे दी जाएंगी, आप उसे ले जा सकते हैं बिल्कुल। और उसके अलावा किसी किस्म के डिस्क्रिपेंसी रिगार्डिंग जो OMR शीट दी जाएंगी इवेलेशन के टाइम पर, तो वो जो प्रिज्यूम्ड हो जाएंगी कैंडिडेट की तरफ से आंसर शीट टेस्ट बुकलेट की, इस केसेस में रिजल्ट कैंडिडेट का कैंसिल किया जा सकता है। मतलब इसका मतलब ये है कि OMR शीट कैंडिडेट की तरफ से किसी किस्म से अगर किसी कैंडिडेट ने कह दिया कि ये OMR शीट भी मुझे मैं लेकर जाऊंगा, या फिर किसी किस्म से इस तरह की अनबन या फिर किसी चीज़ की वजह से OMR शीट के ताल्लुक से अगर कुछ होता है और वो वहाँ पाई नहीं जाती आगे गुम हो जाती है या
ऐसा लगता है कि ये इसका मिसयूज हो रहा है, तो फिर रिजल्ट कैंसिल कर दिया जा सकता है अगर वो पास हो रहा हो तो। मज़ीद तफसीलात के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए और सबको शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए। थैंक यू वेरी मच।